हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। सो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है वो परफॉर्मेंस को अच्छा करने में हेल्प करती है, प्लस प्लेयर की जो पर्सनालिटी है उसको भी काफी ज्यादा इंप्रूव और मॉडिफाई कर देती है। नेक्स्ट, मोटिवेशन एंड फीडबैक। सो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि अगर एक प्लेयर जो है वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को डीपली स्टडी करता है, मींस बिहेवियर को स्टडी करता है, तो उससे उसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। प्लस वो सामने वाले प्लेयर को भी समझने लग जाता है, उसके बिहेवियर को भी एनालाइज करने लग जाता है। तो हम कह सकते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है वो मोटिवेशन और फीडबैक देने में काफी हेल्पफुल होती है। बेटर सिलेक्शन। सो यहाँ पर यही बताया जा रहा है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है वो कोच को गाइड करती है बेस्ट प्लेयर को चुनने के लिए, क्योंकि जब जो कोच है वो बिहेवियर को एनालाइज करेगा तो कोच को पता चल जाता है कि यही प्लेयर बेस्ट रहेगा इस गेम के लिए। सो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के 3 बेनिफिट मैंने आपको बताए हैं। एक तो परफॉर्मेंस को अच्छा करता है, प्लस प्लेयर को मोटिवेट करता है, उसको फीडबैक देता है कहाँ वो गलत जा रहा है, किस तरीके से उसे अपना बिहेवियर को कंट्रोल करना है, प्लस कोच को भी हेल्प करता है बेस्ट प्लेयर सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 2 डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। सो एडोलेसेंस में आपने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करनी है, एक है फिजिकल और एक है मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए देख लेते हैं फिजिकल में। यहाँ पर क्लियरली दे रखा है कि जैसे ही जो बच्चा है एडोलेसेंस की एज में आता है तो उसकी हाइट, उसका वेट, उसकी बोन्स जो है वो कम्प्लीटली डेवलप करना शुरू कर देती है, प्लस उसके अंदर इंड्योरेंस पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और जो कोऑर्डिनेशन होता है मसल्स के बीच में वो काफी अच्छे से हो रहा होता है। मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में बता रखा है कि जो टीनेजर्स हैं वो इसमें ज्यादा सोचना और फील करना शुरू कर देते हैं, उनके अंदर काफी ज्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से उनके काफी ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, प्लस वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, मूडी हो जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, कभी कभार तो वो अपना आपा ही खो देते हैं। सो यहाँ पर यही बता रखा है कि जो टीनेजर्स हैं वो फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी काफी ज्यादा सफर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा है। ग्रोथ और डेवलपमेंट मैंने ऑलरेडी अपने चैप्टर में भी आपको समझाया था कि जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव होती है, इसको आप माप सकते हो। डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों होता है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो इसमें हाइट, वेट, साइज, शेप, इन सब चीजों को आप मेजर कर सकते हो। वहीं पे जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ को भी अपने अंदर कवर करता है, उसी के साथ साथ सोशल चेंज, इमोशनल चेंज, ये सारे चेंजेस भी डेवलपमेंट में कवर अप होते हैं। ग्रोथ जो है वो सेल डिवीजन की वजह से होता है। डेवलपमेंट में सेल डिवीजन के साथ साथ और भी फैक्टर्स प्ले करते हैं। जो आपका ग्रोथ है वो लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, वहीं पे जो डेवलपमेंट है वो वूम टू टूम तक जाता है, यानी कि आप जब तक मर नहीं जाते तब तक आपका डेवलपमेंट हो रहा होता है। ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को आप मेजर कर भी सकते हैं और नहीं भी मेजर कर सकते हैं। 3 मार्कर्स में लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। सो यहाँ पर आपने बताना है कि चाइल्डहुड में किस तरीके का डेवलपमेंट होता है। अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो ग्रोथ होती है हाइट की वो काफी स्लो हो रही होती है, उसी के साथ साथ बोन्स जो होती है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है, वेट भी काफी कम ही बढ़ रहा होता है, उसी के साथ साथ पल्स रेट जो है वो काफी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अडल्ट। जो दिल का साइज है वो छोटा होता है बॉडी के कंपैरिजन में। स्ट्रेंथ इज नॉट वेल डेवलप, अभी भी जो बच्चे के अंदर स्ट्रेंथ है वो फुल्ली डेवलप नहीं होती है। सो स्टूडेंट, ये थे आपके 3 मार्कर्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जब आप अपने आंसर लिख रहे होंगे प्लीज आप पॉइंट्स में लिखेगा और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर दीजिएगा, उससे आपके मार्क्स ज्यादा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस चैनल से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। सो थैंक यू गाइज।